लखनऊ एलटीए और आवास विकास परिषद का खाता सीज हो गया है। जिला प्रशासन ने खाता सीज किया है। एलटीए और आवास विकास परिषद भी डिफॉल्टर रेरा के आदेश पर भी हर जाने की रकम जमा ना करने का ये पूरा मामला डिफॉल्टर डेवलपर पर एलडीए और आवास विकास परिषद शामिल है। इसमें एलडीए पर 12,81,00,000 से ज्यादा का हर जाना बकाया है। आवास विकास परिषद पर 2,81,00,000 से ज्यादा हर जाना बकाया है। 5 और डेवलपर के खाते और 2 डेवलपर के दफ्तर भी सील कर दिए गए हैं। पूरे मामले में जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खातों को सीज कर दिया गया है। एलडीए और आवास विकास परिषद भी डिफॉल्टर। इस पूरे मामले में रेरा के आदेश पर भी हर जाने की रकम जमा ना करने का ये पूरा मामला और इसमें ये बड़ी कार्रवाई अब यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। लखनऊ एलडीए और आवास विकास परिषद का खाता सीज कर दिया गया है। एलडीए और आवास विकास परिषद भी इस पूरे मामले में डिफॉल्टर। दरअसल रेरा की तरफ से आदेश दिया गया था हर जाने की रकम को चुकाने का, लेकिन आदेश के बाद भी रकम जमा नहीं करने का ये पूरा मामला सामने आया है। एलडीए पर 12,81,00,000 से ज्यादा का हर्जाना बकाया है। आवास विकास परिषद पर 2,81,00,000 से ज्यादा का हर्जाना बकाया है और इसको जमा करने का आदेश दिया गया था रेरा की तरफ से, लेकिन आदेश के बाद भी हर्जाना नहीं चुकाया गया। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, यहाँ पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है रेरा के आदेश के बाद भी जिस तरीके से एलडीए और आवास विकास परिषद ने रकम नहीं चुकाई है, ये बड़ी कार्रवाई उसके बाद? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से रेरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है और जो भी डेवलपर्स होते हैं चाहे वो निजी हो या फिर एलडीए और आवास विकास परिषद जैसे, ये जब अपने मानकों को पूरा नहीं करते या जो वादे उन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट में दिए उनको पूरा नहीं करते तो रेरा के पास शिकायत जाती है, रेरा उस पर कार्रवाई करता है। इसी के तहत ये कार्रवाई हुई, जुर्माने लगाए गए, लेकिन समय से जुर्माने को भरा नहीं गया, जिसके बाद में अब जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि वो भू राजस्व की तरह इन चीजों की वसूली करे, जिसके बाद में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। और देखिए अभी तक तो हम देखते थे कि जो निजी डेवलपर है उनके ऊपर तो अक्सर ही इस तरह से कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार इस तरह से एलडीए की बात की जाए, आवास विकास परिषद की बात की जाए, उनके जिस तरह से खाते सीज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। एलडीए की बात करें तो 12,81,00,000 यानी लगभग 13 करोड़ रुपए का जुर्माना उनको भरना है। इसी तरह से आवास विकास परिषद की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर भी 2,81,00,000 रुपए के आसपास का जुर्माना जो है वो लगाया गया है, उनको ये जुर्माना भरना है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है उस जिला प्रशासन की तरफ से। दूसरी एक बड़ी चीज, जो निजी डेवलपर ऐसे हैं जिनके खाते में इतना पैसा ही नहीं कि वो हर जाने की रकम भर सके, तो उनके लिए आयकर विभाग से, रेरा से उनकी जो अन्य संपत्तियां हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। यानी अगर उनके खाते से वसूली नहीं हो पाएगी तो उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी नीलामी कराई जाएगी और उसके बाद जो हर जाने की रकम है वो वसूली जाएगी। निश्चित रूप से देखिए इस कार्रवाई के बाद जो बाकी डेवलपर्स हैं उनके अंदर डर भी आया है और इसके बाद उनमें बहुत से डेवलपर्स ने हर जाने की रकम का भुगतान करना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए जो कार्रवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी उसको अब जिला प्रशासन ने अमली जामा पहनाना शुरू किया है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है और अब जिला प्रशासन जो है एक एक करके उन सभी लगभग अब तक एक एक 2 दर्जन के आसपास ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। एक के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जिला प्रशासन भी अब तक कार्रवाई कर रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।